क्या हुआ जब इंडियन क्रिकेट फैन गुस्से में आए और क्यों? दोस्तों ये बात है 1996 के वर्ल्ड कप के मैच के दौरान जब सेमीफाइनल में इंडिया को श्रीलंका के सामने खेलना था। टॉस जीतने के बाद भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फील्डिंग करने का फैसला किया। श्रीलंका ने भारत को 252 का लक्ष्य दिया, यानी अगर भारत को फाइनल में खेलना है तो 252 रन बनाने भारत पड़ेंगे। ने पारी का आगाज करते हुए अपना पहला विकेट 8 रन पे ही खो दिया। इसके बाद सचिन और संजय मांजरेकर ने पाली को संभाला, फिर सचिन मांजरेकर भी जल्दी आउट हो गए और उसके बाद सचिन भी। सचिन ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 65 रन बनाए, लेकिन सचिन के आउट होते ही पूरी इंडिया टीम मानो बिखर सी गई। भारत ने 22 रन पे 6 विकेट गवा दिए और भारत का स्कोर हो गया 130 पे 8 विकेट। ये सब देख के वहाँ के लोग पागल से हो गए। उन्होंने स्टेडियम पे आग लगाना स्टार्ट कर दिया। ये सब देख कर मैच रेफरी ने श्रीलंका को विनर घोषित कर दिया। भारत के क्रिकेट इतिहास में ये सबसे काला दिन कहा जाता है। सो आपको क्या लगता है, जो इंडियन क्रिकेट फैंस ने किया वो गलत किया या सही?